नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्या फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर, तो उसे देखिए और एंजॉय करिए। और कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगी। थैंक यू। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सूजी का हलवा। वैसे तो सूजी का हलवा एक कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि सूजी का हलवा नॉर्मली ठंडा होने पर टाइट हो जाते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने सूजी का हलवा बनाने का ऐसा परफेक्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपका सूजी का हलवा ठंडा होने के बाद भी 2 से 4 घंटे तक टाइट नहीं होगा। ये बिल्कुल से नरम और दानेदार रहेगी। इस सूजी के हलवे को आप सुबह का नाश्ता, शाम के स्नैक्स, कोई भी व्रत के लिए भी इजीली घर पर बना सकते हैं। गुरुद्वारे के प्रसाद के रूप में भी इस तरीके का सूजी का हलवा दिया जाता है। तो बस जो कुछ भी सिंपल से टिप्स दूंगी, उसे सावधानी पूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक फॉलो करें। और आप भी इस इजी और सुपर डिलीशियस सूजी के हलवे की रेसिपी को बना सकेंगे। तो इस रेसिपी को आप घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस सूजी के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई या पैन में 1/2 कप सूजी डालें। सूजी चाहे मोटे दाने वाला ले, चाहे बारीक वाला ले, वो आप अपनी इच्छा अनुसार ले। तो अब इसे लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट करें। फ्लेम को हाई बिल्कुल मत करें, नहीं तो सूजी जलने लग जाएंगे। सूजी हल्का हल्का रोस्ट हो चुका है, इससे हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। इसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब इसे पैन से निकालकर अलग बर्तन में रख दें और सेम पैन में 1/2 कप देसी घी डालें। 1/2 कप देसी घी से मैं 1 टीस्पून देसी घी निकाल दी हूँ, उसे मैं बाद में डालूंगी। और देसी घी को आप गर्म कर लें। देसी घी गर्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर एक बात का खास ध्यान दें कि देसी घी को एक्सट्रीम हीट नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ज़्यादा गर्म हो जाएगा घी, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते ही ड्राई फ्रूट्स जलने लग जाएंगे। तो घी को इसमें कम गर्म करना है, इस बात का खास ध्यान दें। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले 4 से 5 काजू को इस प्रकार से चीर के 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है। तो इसे डाले और लो फ्लेम में चलाते हुए बस हल्का सा सुनहरा होने तक का इंतजार करें। वो इसलिए क्योंकि हमें इसमें किशमिश भी डालना है। अगर आप किशमिश को इस टाइम डाल देंगे तो किशमिश जलने लग जाएंगे। यही छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आपको समझना है। काजू हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें 15 से 20 किशमिश डालें और फ्लेम को लो रखते हुए बस 1 मिनट फ्राई करें। फ्लेम को लो ही रखना है, इस बात का खास ध्यान दें। एक मिनट हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स काफी हद तक फ्राई हो चुका है। इसे ज्यादा अब फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अब इसे पैन से निकाल कर सेम घी में रोस्ट किया गया सूजी को डालें और इसे लो फ्लेम में ही थोड़ा सा फ्राई करें। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो सूजी जल जाएंगे। सूजी काफी हद तक फ्राई हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो सूजी का टेस्ट खराब हो जाएगा। बिल्कुल से हल्का और फ्राई कर लेना है। मैंने इसे केवल 1 से 1.5 मिनट ही लो फ्लेम में फ्राई किया है। तो अब इसमें 1.5 कप दूध डालें, मतलब 1/2 कप सूजी की क्वांटिटी से 3 गुना ज्यादा 1.5 कप दूध डालना है। यही सूजी और दूध की परफेक्ट क्वांटिटी है।
अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसे पानी से भी बना सकते हैं, या फिर आप आधा दूध और आधा पानी से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाएं। और अब हाफ कप शक्कर डालें या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को आखिरी में डालकर मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए सूजी को सुखा लें, मतलब सूजी में जो दूध है उसे सुखा लें। सूजी का दूध बिल्कुल से सूख चुका है, ये सूजी में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब इसमें 1 टीस्पून देसी घी डालें, जो मैंने पहले ही हाफ कप घी से बचा लिया था, और फिर इसमें 3 कुटे हुए इलायची डालकर फ्लेम को ऑफ करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, लाजवाब सूजी का हलवा आपके सामने सर्व होके रेडी है। इसे मैं 3 से 4 बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर दे रही हूँ, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो है ना धासु रेसिपी, एक बार घर पर ट्राई करना तो बनता है। तो जाते आते एक टिप्स बताते हुए जा रही हूँ, तो आप देसी घी से अगर इस हलवे को बना रहे हैं तो हलवा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन 2 से 4 घंटे के बाद भी अगर आप इसे रख देंगे तो देसी घी जो है वो जमने लग जाते हैं, जिससे हलवा भी जमने लग जाता है। अगर आप इसे 3-4 घंटे से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसे आप रिफाइंड ऑयल से बनाएं, जिससे हलवा लॉन्ग टाइम के बाद भी नरम रहेगा, जमेगा नहीं। और चाहे तो जैसे मैंने 1 टीस्पून देसी घी आखिरी में डाला है, तो आप फ्लेवर के लिए आवश्यकता अनुसार देसी घी ऊपर से डाल सकते हैं अगर आप रिफाइंड से बना रहे हैं। ये सभी छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपको समझना है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।